સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો. પાદરા નગરપાલિકામાં આવેલા આઈએએસ સુરભિ ગૌતમે સપાટો બોલાવ્યો હતો. પાલિકા કચેરીની બહાર નો પાર્કિંગ ઝોનમાં મૂકેલા ટુ વ્હીલર વાહનોને દોરડા વડે બાંધી કાર્યવાહી કરાવી હતી, પરંતુ પોલીસ મોડી પહોંચતા વાહન ચાલકોએ જાતે જ દોરડે બાંધેલા વાહનો છોડીને ચાલતા થયા હતા અને પાલિકાના કર્મચારીઓ જોતા રહ્યા હતા. પાદરા નગરનો વિકાસ થયો, પરંતુ હજુ પણ અનેક બાબતોમાં સુધારો થયો નથી, જેમાં સૌ પ્રથમ હોય તો ટ્રાફિકની સમસ્યા છે. આડેધડ પાર્કિંગથી રાહદારીઓ અને પ્રજા પરેશાન થાય છે. હાલમાં આવેલા આઈએએસ સુરભિ ગૌતમ સૌ પ્રથમ તો પાલિકા કચેરીની આસપાસ નો પાર્કિંગ ઝોનમાં મૂકેલા ટુ વ્હીલરો સામે કાર્યવાહી આરંભી હતી, જેમાં સવારે પાલિકાની આસપાસ નો પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલા વાહનોને દોરડા વડે પાલિકાના પટાવાળા પાસે બંધાવી દઈને કાર્યવાહી કરી હતી અને પોલીસને દંડનીય કાર્યવાહી માટે જાણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. પરંતુ પોલીસ સમયસર નહીં પહોંચતા નારાજ વાહન ચાલકોએ જાતે દોરડે બાંધેલા વાહનો છોડીને ચાલતી પકડી હતી અને પાલિકાના કર્મચારીઓ જોતા રહી ગયા હતા. મોડે આવેલી પોલીસ પણ કાર્યવાહી કર્યા વગર પરત ગઈ હતી. નવા આવેલા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રાફિક અને પાર્કિંગ માટે ઉઠાવેલા પગલાંમાં પ્રજાજનો સહકાર આપે, સાથે આગામી દિવસો પ્રજાને સારી સવલતો પ્રાપ્ત થાય તે માટે અનેક પગલાંઓ ઉઠાવવા માટેની તેમજ કાયમી ધોરણે નિયમોનું પાલન થાય તે દિશામાં પાલિકા પગલાં ભરનાર છે. अभी जो नगर पालिका का हम ट्रैफिक का और पार्किंग की समस्या के लिए जो हमने स्टेप्स उठाए हैं, हम बस इतना चाह रहे हैं कि हम सारे लोग सहयोग करें और वो सीखें, मतलब दे शुड लर्न कि दे शुड नॉट पार्क व्हीकल ऑन द रॉन्ग प्लेस और जो नो पार्किंग जोन है वहाँ पे पार्क ना करें. और इसके लिए हम धीरे धीरे स्टेप्स उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमें जनता से सहयोग मिले, लोगों से सहयोग मिले. इसी के साथ साथ क्लीनलीनेस के लिए भी हमने डस्टबिन लगवाने के लिए जो नए स्टेप्स लिए हैं और दूसरे जो कैंपेनिंग करवा रहे हैं, तो वो ऑल दैट आई वांट इज कि लोग अपना सहयोग दें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में एक बिहेवियरल चेंज आए और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस उसके साथ मिल पाए. क्योंकि फॉर द टाइम ड्यूरेशन आई एम हेयर इज़ वेरी लिमिटेड और उस लिमिटेड समय में मैं चाह रही हूँ कि एक रेगुलराइज पैटर्न ऑफ सर्विसेज क्रिएट हो जाए नगर पालिका का. तो उसके अंतर्गत हमने रैक पिकर्स को भी रेगुलराइज करने के लिए उनको आईडी कार्ड और उनका ड्रेस एप्रेन बूट्स ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया. प्लास्टिक जब्ती के लिए हमने जो 50 माइक्रॉन से ऊंचा वाला प्लास्टिक का थिकनेस है उसके यूजेस के लिए भी कंटिन्यूसली एक टीम बना दी है जो वो जाके चलान करती है और जब्ती करती है. वो हमने देखा होर्डिंग्स हम हटवा रहे हैं जो कि अनऑथराइज प्लेसेस पे हैं. उसके साथ साथ हम वाटर कूलर के लिए हम स्कूल के निरीक्षण के लिए भी गए थे, तो वहाँ पे जो जो भी अव्यवस्थाएँ थी, जैसे हमारी लैब का प्रॉब्लम था थोड़ा सा और पानी अच्छा नहीं आ रहा था, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हम पूरा कन्वर्जेंस करके और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो पब्लिक सर्विसेज यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं वो नगर पालिका प्रोवाइड कराए और एक सस्टेनेबल बेसिस पे कराए कि बाय द टाइम आई एंड ऑफ माय टेन्योर हियर जो नेक्स्ट व्यक्ति आए उसके लिए भी आसान हो जाए. उसके साथ साथ आईटी इनिशिएटिव्स में हम वेबसाइट एक्टिव करवा रहे हैं, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन जो बैकएंड पे चाहिए वेबसाइट की वो प्रोवाइड करा रहे हैं. उसके साथ सीसीटीवी एक्टिवेशन के लिए भी काम कर दिया और जो ई नगर का हमारा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं लोगों की, जन्म मरण की हो गई, विवाह की नोंदड़ी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो सारा ई नगर के थ्रू ही हो, तो वो भी टाइमली डिस्पोजल उसका वो भी हम रेगुलरली देख रहे हैं. और एक सबसे मुख्य चीज़ जो हमारा टैक्स की वसूलात है, तो उसके लिए हमने एक पूरी एक ऑफिस ऑर्डर निकाल करके दो टीमें बना दी हैं, तो दे गो रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे जाते हैं और टैक्स के लिए नोटिसेस वगैरह जो भी ड्यू प्रोसेस है उस हिसाब से हमने एक हफ्ते में उन्हें कहा है कि हम मैक्सिमम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेते हैं. तो मैं बस पादरा के शहरवासियों से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल होती है शुरू शुरू में जब एकदम से हमारे ऊपर लॉ आता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप हेल्प करेंगे तो वी कैन मेक आर सिटी क्लीन, वी कैन मेक आर सिटी बेस्ट. और उसके लिए आप सभी योगदान दें, नगर पालिका पूरे तरीके से रेडी है आपके साथ कदम से कदम आगे चलने के लिए. पार्किंग के लिए जो आज लोग चले गए थे उसके लिए कल से जाने कुछ क्या हो वो रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एरिया बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ लिमिटेड है. तो पहले हमने अपने बिल्डिंग की बाउंड्री से शुरू किया जो कि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकते हैं. अब बिल्डिंग की बाउंड्री अभी हमारी आप देखेंगे तो फ्री हो गई है, वहाँ पे साइड में पार्किंग, गेट में पार्किंग, पहले दिन मेरी गाड़ी नहीं आ पा रही थी, तो वैसे अभी कोई समस्या नहीं है. अब धीरे धीरे अब ये एरिया क्योंकि पार्किंग एक्स्ट्रा पार्किंग से फ्री हो गया, तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट्स, जो बाज़ार की हमारी एक बैंक वाली स्ट्रीट हो गई, एक मेन रोड वाली स्ट्रीट हो गई, और जो सर्कल है
सर्कल में वहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है टेंडर कि वहाँ पे एक शिवाजी का या कोई तो एक मूर्ति कुछ सर्कल का बनने वाला है, उससे भी हमने बात कर ली है कि आप वो सर्कल का काम शुरू कर दें, जिससे कि सर्कल के आसपास का भी जो हंगामी तरीके से जो लोग ठेला वगैरह लगाते हैं वो बंद हो जाए और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्राउड है वो हट जाए। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। एक साथ करने में क्या होगा, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, वी डोंट हैव दैट मच स्टाफ। तो जो भी हमारा स्टाफ है उसको साथ लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो लिमिटेड टाइम में वी आई मेड ए नेम कि भाई एक हफ्ते में या 10 दिन में हम कुछ मतलब विजिबल चेंज लाने की कोशिश करें। उनके बाद फॉलोअप में चीफ ऑफिसर के साथ कैसा रहेगा? ये कि मैं परमानेंट कुछ चीज़ें मैं परमानेंट करने का सोच रही हूँ, जिससे ये होगा कि इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी उन चीज़ों को फॉलो करने में। और हम हर डिसीजन में कमिश्नर अपने रीजनल कमिश्नर के लूप में रहते हैं, तो रीजनल कमिश्नर को हम एक लिस्ट दे करके जाएंगे। जब हम जाएंगे तो आई विल गिव हिम अ लिस्ट और फिर उस बेसिस पे ही विल बी इन टच विद द CEO टू फॉलो दोस थिंग्स।